HJ न्यूज की रिपोर्ट। ज्यादा जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। खेल भी खेल में कई बच्चे ऐसा कारनामा कर देते हैं जो बड़े बड़े वैज्ञानिक नहीं कर पाते हैं। एक ऐसी घटना अमेरिका के लांस्क्रोसिस से सामने आई है। लांस्क्रोसिस रेगिस्तान में हाइकिंग के दौरान 10 साल के जूड स्पार्कर्स नाम के बच्चे ने भी ऐसा काम किया जिसमें वैज्ञानिकों को कई साल लग जाते हैं। जूड स्पार्कर्स ने गलती से करीब 12 लाख साल पुराना जीवाश्म खोजा है। बताया जा रहा है कि एक टन वजनी यह जीवाश्म हाथियों के प्रागैतिहासिक पूर्वज स्टेगमा सटर्डन के हैं। जीवाश्म के बारे में अध्ययन कर रहे एक शोधकर्ता ने बताया कि इस तरह का जीवाश्म बहुत दुर्लभ है। स्पार्क्स के परिवार ने अमेरिका में न्यू मेक्सिको स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पीटर हाउद से संपर्क किया था। हाउद ने कहा है कि एक स्टेगमा सटर्डन हमारे किसी हाथी की तरह दिखता है। उन्होंने कहा है कि हमारे क्षेत्र में कई प्रकार के हाथी हैं, शायद यह उनके से एक है, लेकिन वे अभी बहुत दुर्लभ हैं।